नमस्कार बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम शरीर के महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं जो तत्व होते हैं उनके बारे में बात करेंगे शरीर के लिए आवश्यकता क्या क्या चीजें आवश्यक हैं क्या आवश्यक नहीं है तो आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है है ना तो इसके बारे में आज हम प्रश्न लेके आए तो आप सभी को ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि कौन सा नंबर सही होगा ठीक है और जिसका जितना नंबर सही होगा तो लास्ट में अपना बता देंगे स्कोर कि हमारा स्कोर इतना ही नंबर का सही था ठीक है तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहीं पर आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है कार्बन आयरन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा है कौन सा तत्व उपस्थित होता है यानी कौन सा एलिमेंट जो है मानव शरीर में उपस्थित होता है सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में मीन्स होता है प्रचुर मींस अधिक ना अधिक तो कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है ठीक है तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मानव में पाई जाती है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है तो ऑक्सीजन पाई जाती है तो कितने परसेंट ऑक्सीजन बासठ परसेंट पाई जाती है और बात करें हम आयरन की तो आयरन कितने परसेंट पाया जाता है तो आयरन जो है आयरन तो लगभग लगभग बीस परसेंट तक आयरन तो पाया ही जाता है ठीक है तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन कितने परसेंट होती है तो कार्बन जो है बीस परसेंट होती है कार्बन बीस परसेंट होती है और हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन कितनी होती है तो नाइट्रोजन तीन परसेंट होती है ठीक है नाइट्रोजन जो है तीन परसेंट होती है मानव शरीर में तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग बासठ परसेंट पाया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखना है और बताना है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं तो जीवा के यानी हमारी जीव के जीवा मींस जीव होगा ना जीभ तो हमारे जीव के किस भाग में होती हैं खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं ए नंबर अगले भाग बी नंबर पिछले सी नंबर पास और डी नंबर मध्य ठीक है तो जीवा के किस भाग में जो है खट्टा स्वाद होता है खट्टा मीठा कड़वा ऐसा आप सुने होंगे ना तो ये किस प्रकार जो खट्टा स्वाद होता है तो जीवा के किस भाग में होता है ठीक है तो जीवा के जीभा के कहां पर होता है तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी पास्र में पास वाले भागों में हमारे जीव में खट्टा स्वाद होता है तो जीव का जो पास्र वाला भाग पास्र मीन्स होता है किनारा ठीक है पास का मतलब क्या होता है किनारा तो जो किनारे वाला हमारे शरीर का भाग होते मतलब हमारे जीव के जो किनारे किनारे भाग होते हैं वहीं पर खट्टे स्वाद का अनुभव होता है ठीक है तो कहां पर अनुभव होता है तो पास यानी किनारे किनारे में अनुभव होता है चलिए ठीक है तो अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखना और बताना है थोड़ा सा साफ कर दें हाँ चलिए ठीक है तो अगला प्रश्न आपके सामने है देखना है और बताना है तीसरा नंबर है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है लवण मीन्स माने तो यानी सियल वगैरह ठीक है तो लवण का मुख्य उपयोग है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है पहला नंबर जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाना यानी जल में का, ए, भोजन का भोजन का विलयता बढ़ाना दूसरा नंबर भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना भोजन में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना सी नंबर पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और डी नंबर भोजन को स्वादिष्ट बनाना ठीक है तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है यानी जो हम नमक नमक वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसका क्या उपयोग हो सकता है ठीक है वो तो क्या करने के काम आती है यहाँ पे बात करें जो यसल लिखा है ना हाइड्रोक्लोरिकम ल क्या करता है अम्ल एक प्रकार का अम्ल है ना जो कि भोजन को क्या करता है सड़ने से बचाता है ठीक है सड़न को रोकता है ऐसा बोले तो सड़न को रोकता है ठीक है तो सड़न को रोकता है कौन यल ठीक है तो यसियल का काम क्या है भोजन को सड़ने से बचाता है ठीक है तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा तो तीसरे का तीसरे का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है आहार में लवड़ का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना है लवड़ के स्वाद को पहचानने हैं तो मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलियां होती हैं यानी टेस्ट बर्ड्स आपके जीभों में बनी होती हैं जो कि स्वाद को महसूस करवाती हैं है ना तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी भोजन को स्वादिष्ट बनाना तो अगर नमक जो हम लेते हैं तो भोजन को हमारे स्वादिष्ट बना देगा ठीक है चलिए तो अगला प्रश्न है चौथा नंबर पशु प्रोटीन को को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह पशु प्रोटीन को यानी एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन, प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ए नंबर है अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है दूसरा नंबर बी नंबर बाजार में सस्ता होता है सी नंबर सुपाच्य होता है और डी नंबर खाने में स्वादिष्ट होता है ठीक है तो पस प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है तो क्या कारण है ठीक है तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो चौथा का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है यानी इसमें जो है भरपूर मात्रा में पस प्रोटीन में भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड का मिश्रण होता है है ना इन अमीनो अम्ल का क्या उपयोग है तो इन अमीनो अम्ल का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है इसको हम क्या करते हैं इसका जो निर्माण है ना तो जंतु शरीर में नहीं होता पस प्रोटीन का निर्माण पशुओं के शरीर में होता है तो इसको हम क्या करते हैं भोजन के रूप में लेते हैं ग्रहण करते हैं ठीक है चलिए तो अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न आपके सामने है पचमा नंबर गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं यानी जो ज्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि आप ज्यादा भून देते हैं उसके भून देते हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं ज्यादा तले हुए पदार्थ क्या होते हैं कैंसरजनक आते हैं यानी कैंसर का कारण बनते हैं ना कैंसर बनाने में ज्यादा कारण बनते हैं तो क्या करना है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है तो ऐसी क्या प्रचुर मात्रा होती है, है जो कि कैंसर को बनाती है ठीक है यानी कैंसर का कारण होती हैं हमारे शरीर में कैंसर बनाती हैं ऐसे कौन से तेली पदार्थ हैं तो ए नंबर है बसा की बी नंबर हाइड्रोकार्बन की सी नंबर पकाने के तेल की और डी नंबर निकोटीन की तो ऐसी कौन सी प्रचुर मात्रा होती है जो कि हमारे शरीर में कैंसर बनाती हैं ठीक है तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें तेल मिला के ना तेल मिला के ज्यादा से ज्यादा उसको तलते हैं ठीक है तो उनमें क्या होता है ट्रांसफैट कैंसर के कारक होते हैं यानी जो ट्रांसफैट कैंसर होता है ट्रांस ट्रांस फैट ट्रांसफैट ट्रांस फैट क्या है एक प्रकार का कारक है बसा में उपस्थित होता है जो कि क्या करता है कैंसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी हम ज्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ खाएंगे तो कैंसर की मात्रा बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है क्योंकि यह बसा का जो एक मात्रक है ट्रांस फैट जो मात्रा बसा में पाई जाती है यह क्या करता है कैंसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ठीक है तो चलिए अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखना है और बताना है छठवा नंबर है निम्नलिखित में से वह वह पदार्थ कौन सा है जो चौदह वर्ष की आय तक के बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चौदह वर्ष के बच्चों के लिए चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ज्यादा आवश्यक है हम लोग क्या है छोटे छोटे बच्चे होते हैं बालक होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते ना जब चौदह वर्ष बीत जाता है तब उन पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसे में क्या होते हैं बच्चे जो है कमजोर हो जाते हैं ठीक है उनकी हड्डी पसली और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कमजोर हो जाती हैं तो ऐसे बच्चों में ऐसी कौन सी मात्रा आवश्यक होती है जो उनके विकास को बहुत अच्छे से बनाए मतलब बहुत अच्छे से विकास करें तो कौन सी ऐसी पदार्थ की मात्रा है जो कि बढ़ानी चाहिए ठीक है तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी प्रोटीन जो है ना प्रोटीन की मात्रा को हमें बढ़ा देनी चाहिए अगर प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रहा है बच्चों को तो उनका विकास जो है रुकने वाला नहीं यानी अच्छा से अच्छा विकास होता है तो प्रोटीन क्या होता है प्रोटीन अत्यंत जटिल होता है जो कि किससे बना होता है तो यह बीस अमीनो अम्ल से मिलकर बने होता है ठीक है प्रोटीन जो है बीस अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ठीक है तो यह क्या करता है बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है ना ठीक है चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है तो अगला प्रश्न है कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है यानी जो लाल चना होता है ना तो लाल चने से किस प्रकार का एंजाइम मिलता है ए नंबर यूरियस बी नंबर जायमेस सी नंबर माल्टेस और डी नंबर डाइस्टेस ठीक है तो लाल चने में कौन सा भी एंजाइम मिलता है लाल चने से तो आपको बताना है कि जो लाल चना है उसमें से कौन सा इंजाम मिलता है चलिए बताइए आप लोग कि कौन सा इंजाम होगा लाल चने में ठीक है तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी डाई स्टेस जो है लाल चने में पाया जाता है कौन से इंज़ाइम डाई स्टेस जो है लाल चने में पाया जाता है लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है जो क्या है विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है कैसी है प्रमुख दलहनी फसल है इसको हम क्या बोलते हैं लाल चने को अरहर या तुर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को देखना है और बताना है अठवा है एंजाइम होते हैं एंजाइम होते हैं ए नंबर सूक्ष्म जीव बी नंबर प्रोटीन सी नंबर अकार्बनिक अवगिक डी नंबर फफूंदी, ठीक है तो एंजाइम क्या है फफूंदी, डी नंबर है फफूंदी, सी नंबर है अकार्बनिक अवगिक और बी नंबर प्रोटीन और ए नंबर है सूक्ष्म जीव एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम जो होते हैं तो एंजाइम है, तो हो क्या होते हैं तो एंजाइम प्रमुख प्रोटीन होते हैं तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं प्रोटीन होते हैं ठीक है ये क्या है ये कार्बनिक पदार्थ है अकार्बनिक औगिक नहीं है जबकि क्या है कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं ठीक है एंजाइम की खोज किसने की थी कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में एंजाइम की खोज किसने की थी एंजाइम की खोज किसने की थी ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजाइम की खोज किया था तो एंजाइम की खोज जो है कुहने ने की थी किसने कुहने ने एंजाइम की खोज की थी कुहने नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कुहने नाम की एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था एंजाइम की खोज किया था ना एंजाइम की खोज किए थे तो कौन किए थे एंजाइम की खोज कुहने नामक वैज्ञानिक ने किए थे ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं ए नंबर आइसो एंजाइम बी नंबर हैलो एंजाइम सी नंबर एपो एंजाइम डी नंबर उपयुक्त सभी ठीक है तो हेला एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं के लिए चार है। आप सबके सामने आप सभी को बताना है, कि जो प्रोटीन भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं ठीक है तो इसका जो है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी एपो इंजाइम इंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं क्या कहते हैं एपो इंजाइम कहते हैं ठीक है तो एपो एंजाइम क्या कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं ठीक है तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा हाँ अब अच्छे से दिखने लगा होगा रुकिए थोड़ा सा हाँ ठीक है दसवा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है स्लाइबा यानी लार का लाभ कौन सा नहीं है स्लाइबा का लार लाभ कौन सा नहीं है ए नंबर यह निगलने में मदद करता है बी नंबर यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है नंबर यह ओंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है तो ऐसा कौन सा है जो कि लार का लाभ नहीं है बाकी तीन इसमें ऐसे हैं जो कि लार के लाभ हैं ठीक है थीके? तो कौन सा ऐसा है जो कि लार का लाभ नहीं है लार मीन्स क्या होता है तो अगर हम लार की बात करें तो लार का पीएच मान कितना होता है तो लार का जो पीएच मान होता है तो 6.4 दशमलव चार होता है कितना 6.4 दशमलव चार होता है 6.4 दशमलव चार से लेकर के 6.8 दशमलव आठ तक ठीक है तो पीएच मान कितना होता है लार का पीएच मान तो पीएच मान होता है छह दशमलव चार से लेकर छ दशमलव आठ तक ठीक है तो ऐसा कौन सा है जो कि लार का लाभ नहीं है स्लाइबा का लाभ लाभ नहीं है चलिए बताइए तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी यह या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है यह बिल्कुल गलत है बाकी जो है तीनों की तीनों सही है यानी यह या निगलने में मदद करता है बिल्कुल सही है ठीक है यह निकलने में मदद सी, सी या मुख तथा एक मिनट या मुख तथा दांतों को साफ रखती है बिल्कुल सही है मुख तथा दांतों को साफ करता है हमारा लार 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 और डी नंबर ओंठों तथा जीवा के बीच ओंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है यानी तीनों की चीजें क्या करती हैं ये लॉर कर, करता है लेकिन जो बी नंबर है यह लार में आर की वृद्धि करती है तो यह बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा ना तो यह गलत है ना यानी इसका सही जवाब यही होगा क्योंकि यह पूछा है कि कौन सा लाभ नहीं है तो यह लाभ नहीं है बाकी चीज ती, तीनों के तीनों आपके लाभ है ना तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब होगा चलिए चलिए लार किसके पाचन में, Bosa, Star, Protein, so में? में मदद करती है ए नंबर बसा बी नंबर स्टार्च सी नंबर प्रोटीन डी नंबर विटामिन तो लार लार किसके पाचन में मदद मदद करती है क्या करती है लार के पाचन कार्यों में शामिल है तो कौन सा है जो कि मदद करता है लार का काम क्या क्या है तो लार जो है भोजन को गीला करता है भोजन को लुग्दी बनाता है और यह आसानी ताकि यह क्या करे आसानी से निगला जा सके है ना लार में एंजाइम कौन सा होता है तो लार में एंजाइम जो है टाइलिन है ना टाइलिन एंजाइम होता है एमाइलेज होता है जो स्टार्च क्या करता है मंड को माल्टोज में तोड़ता है तो चलिए ये बताइए लार किसके पाचन में मदद करता है बसा स्टार्च प्रोटीन विटामिन तो बी नंबर ना स्टार्च स्टार्च के पचाने में मदद करता है जो लार है स्टार्च को पचाने में मदद करता है जो चीजें हम खाद्य पदार्थ खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है स्टार्च की मात्रा होती है सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा तो आलू वगैरह में जानते हो ना आलू में आलू चावल वगैरह में स्टार्च की मात्रा होती है यह क्या करता है लार स्टार्च को पचाने में मदद करता है चलिए अगला प्रश्न है अन्न एक समृद्ध स्रोत है अन्य किसका समृद्ध स्रोत है स्टार्च का ग्लूकोज का फ्रक्टोज का माल्टोज का तो अम्ल अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो किसका है अन्न ठीक है तो अन्न जो है स्टार्च का रूप है ठीक है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टार्च का अम्ल रूप है क्या करता है स्टार्च स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं ना मंड यह पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या पेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है किस रूप में एमाइलो अमाइलेज के रूप में ठीक है अमाइलेज के रूप में उपस्थित रहता है तो यह क्या करता है एक समृद्ध स्रोत है तो वन्य किसका समृद्ध स्रोत है सबसे ज्यादा तो यानी स्टार्च का समृद्ध रूप है चलिए तेरावा प्रश्न है देखना है और बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है ए नंबर रेनिन बी नंबर पेप्सिन सी नंबर रेजिन डी नंबर सीट्रेट कई बार आप लोगों ने याद किया है लेकिन ये चीजें क्या होती हैं दूध को दही में परिवर्तित करना भूल जाता है ठीक है तो अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है ताकि भूलें ना तो चलिए दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है तो दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदलता है चलिए तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी रेनिन जो है रेनिन ऐसा पदार्थ है या या मतलब ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है दूध को दही में बदलने में मदद करता है जठर रस में रेनिन नामक एक, एक पाचक एंजाइम कहा पाया जाता है यह कहाँ पाया जाता है तो जठर रस में पाया जाता है जो कि क्या करता है जठर रस में जो पाया जाता है ये रेनिन यह क्या करता है दूध को दही में बदलने में मदद करता है यानी जो दूध होता है उसके पाचन में मदद करता है तो कौन रेनिन मदद करता है और पाया कहाँ जाता है तो जठर रस में पाया जाता है चलिए चौदाहवा नंबर प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है ए नंबर जेंथोफिल बी नंबर राइबोफ्लेबिन सी नंबर राइब लोस और डी नंबर कैरोटीन ठीक है तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है चौदाहवे तो का क्या हो जाएगा सही जवाब ठीक है तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी गाय के दूध में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग क्या होता हो है पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति के, के कारण ठीक है तो कैरोटीन किसमें पाया जाता है गाजर में भी पाया जाता है ना कैरोटीन. कैरोटीन किस किसमें पाया जाता है गाजर में भी पाया जाता है तो यह क्या होता है गाय का जो पीला रंग होता है गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के, के कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है यानी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है खट्टे दूध में होता है जो दूध खट्टा हो जाता है उसमें क्या होता है ए नंबर एसिटिक एसिड बी नंबर टार्टरिक एसिड सी नंबर सिट्रिक एसिड और डी नंबर लैक्टिक एसिड खट्टा दूध यानी वही जो दही बन जाता है इसमें थोड़ा घुमा के पूछा है खट्टा दूध तो खट्टा दूध में क्या होता है ठीक है खट्टा दूध वही है जो कि दूध दही बन जाता है ना अगर दूध खट्टा हो जाए तो वो दही में परिवर्तित हो जाएगा तब तो खट्टा होगा तो दही में कौन से हाँ, नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ठीक है लैक्टिक अम्ल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी लैक्टिक एसिड दही में आप लोगों ने पढ़ा है ठीक है कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं आ रहा है क्या बात है हाँ तो आप लोग दीजिए ना खट्टे दूध का मतलब नहीं समझ पा रहे थे ना तो खट्टे दूध का मतलब ये होता है दही सीधा सा समझ लो दही भाई जब दूध खट्टा हो जाएगा तो दही ही हो जाएगा तो दही में क्या पाया जाता है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है यानी बिल्कुल लैक्टिकम जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो पंद्रह में का डी बिल्कुल सही ठीक है चलिए अगला प्रश्न है सोलहवें नंबर क्या पूछा गया है चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट दीजिए आप लोग हाँ निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है यकृत मीन्स समझ आ तो लीवर जिसको बोलते हैं ना चलिए लीवर तो निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर द्वारा किया जा सकता है ए नंबर विटामिन ए बी नंबर विटामिन ई सी नंबर विटामिन डी और डी नंबर विटामिन के तो किसका संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जा सकता है द्वारा किसका संश्लेषण किया जा सकता है तो सोलहवें का जो सही जवाब हो जाएगा तो विटामिन ए का जो है संश्लेषण या कृत द्वारा किया जाएगा किसका विटामिन ए का संश्लेषण या कृत के द्वारा किया जाएगा विटामिन ए का संश्लेषण ठीक है तो यह विटामिन ए किसके ए, किसके में उपयोगी है तो प्रोथामिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में भी उपयोगी है ठीक है चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है चलिए सत्रहवा नंबर है तंतु आहार में शामिल है तंतु आहार में शामिल है क्या ग्लाइकोजन प्रोटीन सेलुलोज बसा तंतु आहार में शामिल है हाँ तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो सत्रहवें का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी सेलुलोज जो है तंतु आहार में शामिल होता है तो क्या शामिल होता है तंतु आहार में सेलुलोज जो है शामिल होता है सेलुलोज क्या है यह एक पॉलीसेकेराइड है ना सेलुलोज पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड है तो पॉलीसेकेराइड क्या है जो क्या करता है 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 जो क्या करता तो ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज बनाता है है ठीक तो सेलुलोज क्या करता है ग्लूकोज बनाता है यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है ठीक है परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं होता इसके पाचन के लिए एंजाइम जो है अनुपस्थित होता है ना सेलुलोज जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है जिसके कारण जो है क्या होता है ए, क्या बोलते हैं इसको हाँ तंतु आहार के रूप में लिया जाता है लेकिन अगर एंजाइम उपस्थित नहीं है शरीर में एंजाइम नहीं है तो इसका पाचन नहीं हो पाएगा ठीक है तो सेलुलोज का है तंतु आहार में शामिल है चलिए हम्म चलिए अगला प्रश्न दिख रहा है आप सबके सामने देखना है और बताना है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद बसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है यानी जो हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे बसा मौजूद है यानी जो जो त्वचा है उसके नीचे जस्ट नीचे बसा होती है इसका यह किसके अवरुद्ध है यानी किसके अवरोधक है ए नंबर शरीर से उषमा की क्षति बी नंबर शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति सी नंबर शरीर से लवण की क्षति और डी नंबर पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश ठीक है तो हमारे शरीर में जो त्वचा के नीचे बसा होती है तो वह किसके विरुद्ध कार्य करती है अठारवे का जो हो जाएगा तो अठारहवे का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शरीर से उष्मा की क्षति के अवरोधक के रूप में काम करती हैं। यानी शरीर से जो है उष्मा के अवरोधक का कार्य करती है यानी शरीर से ऊर्जा को ज्यादा क्षति नहीं होने देती। यानी ऊर्जा बर्बाद नहीं होने देती जो बसा होती है ना उसमें बसा क्या होता है ऊर्जा की मात्रा स्टोर रहती है ठीक है तो सबसे अधिक ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि सबसे अधिक बसा ऊर्जा किसमें होती है तो बसा में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखना और बताना है नीसवा नंबर नंबर प्रश्न आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है ए नंबर तेल में हाइड्रोक्सिल समूह तेल में तेल में असंतृप्त तेल में कार्बोक्सिलिक समूह ठीक है तो आयोडीन उन्नीस का जो सही जवाब हो जाएगा तो उन्नीस का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी तेल में असंतृप्त करने के लिए आयोडीन का मान आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है तो, तो तेल में असंतृप्तता असंतृप्तता को मापने के लिए यानी प्राकलन करने के लिए परीक्षण करने के लिए किया जाता है आयोडीन मान का ठीक है चलिए बीसवा नंबर प्रश्न है देखना है और बताना है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्त माना जाता है किसको जो है किसी कोशिका में अचल संपत्त माना जाता है चलिए बताइए ए नंबर कार्बोहाइड्रेट बी नंबर वसा सी नंबर प्रोटीन डी नंबर न्यूक्लिक अम ठीक है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है चलिए जी अचल संपत्ति क्या खेत का है ना जमीन वगैरह तो चलिए कोशिका में जो है अचल संपत्ति कौन माना जाएगा अचल संपत्ति जिसके बिना कुछ भी ना हो पाए चलिए तो बीस का कौन सा सही होगा तो बीस का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी अचल संपत्ति कौन कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल जो है अचल संपत्ति कहलाता है इसकी खोज कौन किए थे इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी खोज किसने किया था खोज किया था फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिसर ठीक है फ्रेडरिक मिसर ने फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी ठीक है फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी तो न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल को ही यानी न्यूक्लिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं अचल संपत्ति कहते हैं तो कोशिका में जो अचल संपत्ति होती है तो कौन होती है न्यूक्लिक एसिड होती है चलिए अगला प्रश्न है देखना है और बताना है इक्कीसवा नंबर का नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है ए नंबर समस्त बसा का बी नंबर प्रोटीनों का सी नंबर विटामिनों का और डी नंबर सभी हाइड्रो कार्बोहाइड्रेटों का ठीक है तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है यानी किसमें जरूर पाया जाएगा बाकी किसी में ना पाया जाता होगा लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें जो है नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है तो प्रोटीन का सूत्र कौन बताएगा प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है ना एन एच टू एन एच टू ठीक है तो एमिनो एसिड से मिलकर कौन बना होता है प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन ही इसका सही जवाब हो जाएगा यानी नाइट्रोजन जो है अनिवार्य घटक किसका है तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है ठीक है चलिए बाईसवा नंबर को देखना है और बताना है कि क्या सही जवाब होगा विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है तो पुरुष में क्या हो जाता है विटामिन बी सिक्स की कमी से चलिए जी बताइए देखिए और इसको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है ठीक है ए नंबर इकेटस बी नंबर स्कर्वी सी नंबर बेरी और डी नंबर अरक्तता तो विटामिन बी सिक्स से कमी से क्या हो जाता है तो विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है पायरीडॉक्सन है? है क्या है पायरीडॉक्सन पायरीडॉक्सिन क्या है इसका नाम है किसका विटामिन बी सिक्स का क्या नाम है पायरीडॉक्सिन ठीक है तो पायरीडॉक्सिन इसका नाम है इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है ठीक है तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर यानी अरक्तता रोग हो जाता है यानि एनीमिया रोग हो जाता है ठीक है एनीमिया रोग हो जाता है तो किसकी कमी से विटामिन बी सिक्स की कमी से ठीक है अगर हम बात करें रिकेटस रोग किसकी कमी से हो जाता है तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है ठीक है और स्कर्वी रोग किसकी कमी से तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ठीक है और विटामिन बी वन की कमी से वन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग और विटामिन बी सिक्स की कमी से अरक्ता यानी एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें खून की कमी हो जाती है तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या होता है व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है चलिए अगला प्रश्न है देखना और बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा चलिए सही उत्तर के साथ सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से बनाइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़ी मिलाना है तो पहले का कौन सा दूसरे का कौन सा तीसरे का कौन सा चौथे का कौन सा ठीक है विटामिन बी सिक्स को अभी हमने बताया था कि विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं तो विटामिन बी सिक्स को पायरिडाक्सिन बोलते हैं चलो जिसको जानते हो वही पहले लगा लो ठीक है विटामिन बी वन विटामिन बी का क्या नाम है तो विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं तो चलो थायमिन बोलते हैं जिसको जानो वही पहले ठीक है तो विटामिन बी वन थाइमिन विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन अब विटामिन बी टू बचा और विटामिन बी ट्वेल्व बचा अगर ऐसे में ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है नहीं तो चलो ठीक है आगे देखते हैं तो विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं तो विटामिन बी टू को राइबो बोलते हैं चलिए विटामिन बी बी टू को राइबोप्लोबिन तो विटामिन बी ट्वेल्व को साइनो कोबालेमिन साइनो कोबालेमिन बोलते हैं किसको विटामिन बी बी ट्वेल्व को ठीक है तो विटामिन बी वन का नाम थायमिन विटामिन बी टू का नाम राइबोप्लेविन और विटामिन बी सिक्स का नाम पायरिडाक्सिन और विटामिन बी ट्वेल्व का नाम साइनो कोबालेमिन ठीक है साइनो कोबालेमिन ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्या जवाब हो जाएगा सही सही देखना बी का थ्री हो जाएगा ठीक है तो यानी कैसे जवाब होगा इसका चलो बात कर लेते हैं अगर आंसर पूछा गया सवाल आएगा तो कैसे आएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स और बी बी ट्वेल्व में तो क्या होगा विटामिन बी वन का थ्री नंबर सही है विटामिन बी वन का जो है थ्री नंबर सही है तो थ्री होगा पहले थ्री फिर इसके बाद फोर फिर इसके बाद थ्री के बाद फोर फोर के बाद थ्री के बाद फोर फिर वन वन के बाद वन के बाद टू ठीक है तो थ्री फोर वन टू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी थ्री फोर वन टू इसका सही जवाब हो जाएगा तो थ्री फोर वन टू जिसमें ऑप्शन में होगा वही वाला टिक कर देना ठीक है चलिए चलिए प्रश्न भी आ गया कि विटामिन बी टू का अन्य नाम है विटामिन बी टू का क्या नाम है चलिए तो विटामिन बी टू का क्या नाम है तो अभी मैंने बताया कि विटामिन बी टू का जो नाम है राइबो राइबो प्लेबिन नाम है क्या नाम है राइबो प्लो प्लेबिन नाम है यह कहाँ पाया जाता है तो दूध पनीर पत्तेदार सब्जियां फलियां टमाटर ईस्ट मशरूम आदि में पाए जाते हैं कहाँ दूध पनीर पत्तेदार सब्जियां फलियां टमाटर ईस्ट मशरूम इसमें क्या है विटामिन बी टू पाया जाता है ठीक है चलिए पच्चीस नंबर प्रश्न देखना है और बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अगर रिकेटस रोग हो जाए तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो गया यानी कौन सा अंग खराब हो जाता है ए नंबर त्वचा बी नंबर केस सी नंबर अस्थि डी नंबर रुधिर। तो विटामिन बी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है यानी रिकेटस रोग हो गया तो क्या खराब हो जाएगा हमारी तो हमारी बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा जो है अस्थिया हमारी क्या होगी खराब हो, हो जाएंगी ना अस्थि मीनस होता है हड्डियां हस्ती का मतलब होता है हड्डी तो हमारी हड्डी क्या होगी खराब हो जाएगी ना विटामिन डी की कमी से विटामिन डी का क्या नाम है तो विटामिन डी का नाम है कैल्सी ठीक है विटामिन डी का नाम कैल्शी है और यह जो है यह बसा में बिले है यानी बसा में घुल जाती है विटामिन डी क्या होती है बसा में घुल जाती है यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है जिसमें हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती हैं इसकी कमी से क्या होता है बच्चों में रिकेटस रोग हो जाते हैं ये वाले रिकेटस रोग बच्चों में हो जाते हैं ठीक है और प्रौढ़ों में आस्टियो नामक रोग हो जाता है प्रौढ़ों में क्या होता है विटामिन डी की कमी से ऑस्टियो प्रौढ़ों में एक चीज ध्यान रखना आस्टियो आस्टियो मलेशिया ऑस्टियो मलेशिया रोग प्रौढ़ों में रोग हो जाता है किसकी कमी से विटामिन डी के कमी से ठीक है और रिकेटस को हम सूखा रोग के भी नाम से जानते हैं तो जो रिकेटस है ना इसे हम किसके नाम से जानते हैं सूखा भी बोलते हैं ना सूखा रोग हो जाता है बच्चों में देखे होंगे हड्डी पसली पतली हो जाती है तो सूखा रोग भी होता है रिकेटस से है ना चलिए अगला नंबर है विटामिन डी अनिवार्य है ठीक है विटामिन डी अनिवार्य है ए नंबर आस्टियो अर्थाइटिस से बचने के लिए बी नंबर भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए सी नंबर भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए और डी नंबर मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए तो विटामिन डी अनिवार्य है तो विटामिन डी क्यों अनिवार्य है बताइए हाँ तो विटामिन डी अनिवार्य है क्यों इसका क्या कारण है तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी अनिवार्य है क्योंकि कैल्शियम क्या करती है शरीर को मजबूत बनाती है हड्डियों को मजबूत बनाती है चलिए सत्ताईस नंबर देखना है और बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता के साथ बनता है तो चलिए बताइए आप लोग कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बन जाता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी तो सत्ताईस तो डी हो जाएगा सही जवाब क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बहुत जल्दी बनता है जल्दी जल्दी बनता है हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पैरा विकिरणों द्वारा होता है जो त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है तो त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होती है ना उन्हीं के द्वारा हमारे विटामिन डी का निर्माण होता है इसका विटामिन डी का नाम क्या है कैल्सीफेराल ठीक है विटामिन डी का एक और नाम क्या है कैल्सीफेराल तो रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या नाम है कैल्सीफेराल ठीक है तो विटामिन डी का क्या नाम हो जाएगा कैल्सी हो जाएगा चलिए ठीक है तो विटामिन डी शरीर में सबसे जल्दी बनती है ठीक है चलिए चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है हम्म, चलिए तो अगला प्रश्न है विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है कोबाल्ट होता है इसको सबसे पहले किसने बताया ए नंबर बोरेक्स बीड परीक्षण पी नंबर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण सी नंबर हाइड्रोलिसिस परीक्षण और डी नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कोबाल्ट में विटामिन बी ट्वेल्व होता है यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया ठीक है तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन बी ट्वेल्व को सिद्ध किया गया कि यह विटामिन बी ट्वेल्व जो है किसमें कोबाल्ट में पाया जाता है ठीक है चलिए तो उनतीसवा नंबर प्रश्न है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है औषधियों और उसके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है ए नंबर औषध निर्माण विज्ञान बी नंबर जीवाश्म प्राण विज्ञान सी नंबर औषध प्रभाव विज्ञान और डी नंबर जीवाश्म विज्ञान ठीक है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है तो औषधियों का अध्ययन जो है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो है फार्मे फार्मेकोलॉजी कहलाता है इस इंग्लिश से बात करें तो फार्मेको फार्मेकोलॉजी ठीक है तो जिसको इंग्लिश लिखना होगा तो लिख लेंगे इसको हम क्या बोलते हैं फार्मेकोलॉजी बोलते हैं ठीक है तो फार्मेकोलॉजी जो है औषधि निर्माण के लिए का अध्ययन कहलाता है यानी औषधियों कार्यों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी यानी औषध विज्ञान कहलाता है ठीक है, है? चलिए अगला प्रश्न है तीसवा नंबर चलिए तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है ए नंबर निकोटीन बी नंबर हीरोइन सी नंबर मरजुआना डी नंबर कोकीन तो तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है तो बताइए आप लोग कि तंबाकू में क्या होता है ठीक है तो तंबाकू का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है हमारे शरीर को थोड़ा शिथिल बना देता है यानी नशा के रूप में थोड़ा कर देता है इसीलिए ना तंबाकू खाया जाता है यानी तंबाकू जो है नशा के रूप में होता है तंबाकू जो है तंबाकू में क्या पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है जो कि क्या करता है हमारी आदत को बना देता है यानी उसके बिना हम नहीं रह पाते यानी निकोटीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है हमारी आदत डलवा देता है जिसके कारण हम तम्बाकू को नहीं छोड़ पाते हैं ठीक है तो क्या पाया जाता है निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है तो चलिए आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न था तो आज के लिए बस इतना ही तीस प्रश्न हम लेके आए थे तो जिसका जितना सही है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि किसना किसका सही था ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं तब तक के लिए दीजिए इजाजत थैंक यू गुड नाइट